बड़ी मछली, वाह यार क्या मस्त लग रहा है, इतनी छोटी पॉट में इतनी बड़ी मछली हो रही है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। आई होप फिट एंड फाइन। तो गाइज अभी हमें आए हुए हैं अपने दीदी के कॉलेज, जो कि कलकत्ता में है, वहाँ पे आए हुए हैं। दीदी का कुछ काम था कॉलेज में, तो हम भी आ गए। तो अभी यहाँ का बगल में पार्क है, तो आपको दिखाते हैं कॉलेज का सीन यहाँ पे। तो गाइज ये रहा पार्क है सामने, एक तो काफ़ी अच्छा है, कॉलेज के जस्ट पास ही में था, तो हम लोग चले आए। ये गाइस यहाँ पे इस पॉट में मछली भी है, शायद आपको दिख रहा होगा। गाइस मछली कहाँ है? गाइस मछली छोटा सा एक तो है, मतलब तो काफ़ी सारा है, मतलब तो अभी भाग जा रहा है, वो रही गाइस ब्लैक कलर की, वो रही काफ़ी अच्छा है यहाँ का नज़ारा। कुछ ऐसा है यहाँ का पार्क, काफ़ी अच्छा है, छोटा ही नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ अच्छे से फ़ोटोज लेते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा वाली मछली नीचे में है, बड़ी मछली, वाह यार क्या मस्त लग रहा है, इतनी छोटी पॉट में इतनी बड़ी मछली हो रही है गाइस, काफ़ी मस्त, काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पे बहुत ही वेराइटी वेराइटी मछली है, वाह यार काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। सबसे बड़ी वही वाली है शायद, ये देखो इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, कमेंट करके बताना इस मछली को क्या, कौन से मछली बोलते हैं। वाह यार क्या मस्त लग रही है मछली, अब वो रही बड़ी मछली नीचे है, उसके बाहर नहीं आ रही है। ये शायद सार्क है मे बी, हाँ यस ये सार्क है, और ये इसका पता नहीं, वो लेकिन सार्क है जो गई उधर नीचे अंदर में। पार्क एरिया बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे बहुत मछली भी है और बैठने का जगह भी है बहुत ही अच्छा। तो हमने वहाँ पर फ़ोटो ले लिया कुछ अच्छा अच्छा तो अभी और दिखाते हैं आपको भी है, काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छा झूला है यहाँ पे, छोटा सा चिल्ड्रेन पार्क है, अच्छा यहाँ पे देख सकते हो, अच्छा पार्क है बहुत ही। सब देख चुके सारा पार्क, तो अब चलते हैं घर, क्योंकि अभी बज रहे सुबह के 8:30। तो अभी दीदी काम भी हो चुका है, मछली ये रह गई, बड़ी वाली मछली आई नहीं रही है, इसके नीचे है शायद, बोरी 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 कितनी बड़ी मछली है। एक बार पार्क का 360 व्यू देते हैं, वाओ गाइस बहुत ही अच्छा है। बस अभी पार्क पूरा देख चुके हैं, घूम लिए, अब जाते थे आप, लेकिन यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया, हमने 2-3 तो फोटो भी लिया, बहुत ही अच्छा अच्छा ले रहे अभी इडली, सामने अभी नाश्ता ब्रेकफास्ट करेंगे तो करते हैं अभी फटाक से इडली खाते हैं। तो गाइस ये रहा दुकान है तिरुपति साउथ इंडियन फूड। गाइस यहाँ बहुत ही अच्छा फूड मिलता है, देख सकते हो इडली बड़ा बहुत ही अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। अंकल का दुकान है, छोटा दुकान है, बट इनका फूड बहुत ही अच्छा रहता है। अंकल दीजिए गाइस, जब भी आना राममोहन कॉलेज तो अंकल का दुकान जस्ट बगल ही में, तो इनकी दुकान ज़रूर विजिट करना, बहुत ही अच्छा दुकान है इनका, छोटा दुकान है लेकिन फूड बहुत फ्रेश मिलता है। ये अंकल देख सकते हो ये दुकान है, बहुत ही अच्छा दुकान है, ज़रूर आना इस दुकान में खाने के लिए। पूरा पेट भर गया, बहुत ही टेस्टी इडली था, इडली और डोसा खाए हम लोग, पूरा पेट भर गया। तो गाइस जब भी आना राममोहन कॉलेज तो उनके दुकान में जरूर जाना, छोटा दुकान था लेकिन उनका इडली और डोसा बहुत ही टेस्टी था, मेरा तो पेट भर गया। तो अभी जा रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए अभी स्टेशन, तो वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे फिर घर जाएंगे, तो मिलते हैं स्टेशन चल के। भाई दो टू देना, शुगर कैन पीने के लिए यहाँ पे। तो गाइस पीते हैं क्योंकि अभी बहुत ही धूप लग रहा था, तो इसको पीते हैं। हम आ चुके हैं सियालदह स्टेशन, तो यहाँ पे भी ट्रेन थोड़ा लेट आएगी 10 मिनट, तो यहाँ पे रुकते हैं थोड़ा, उसके बाद हम जाएंगे अपने घर हरदा। अभी ट्रेन आ चुकी है, सामने भी आ रही है लोकल ट्रेन। गाइस अभी उतर चुके हैं खरदा स्टेशन, ये रहा खरदा स्टेशन,
सकते हो अभी पूरा मूर्ति बन रहा है क्योंकि दुर्गा पूजा आ रहा है। अब कितना सुंदर मूर्ति है देख सकते हो, बहुत ही मस्त लग रहा है। जय माता दी। वाह गाइस बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति अंदर बन रहा है क्योंकि दुर्गा पूजा आने वाला है। तो गाइस होप करते हैं आपका ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग, बाय।